सदर विधायक बांदा प्रकाश द्विवेदी के प्रयासों से बांदा नगर के कचहरी चौराहे से मुक्तिधाम मार्ग तक की सड़क का जल्द ही चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और अंडरग्राउंड विद्युत केबल कार्य होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 2043.64 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत लगभग 950 मीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा, जिसमें 1 मीटर चौड़ा डिवाइडर बनाया जाएगा और दोनों ओर 9-9 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त सड़क के दोनों ओर 2.50 मीटर के फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। मार्ग को आधुनिक सड़क लाइट्स, अंडरग्राउंड केबल डक और नाली से सुसज्जित किया जाएगा। क्योट्रा चौराहे का चौड़ीकरण भी इस परियोजना का हिस्सा होगा। साथ ही क्योट्रा और जेल रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड का भी निर्माण किया जाएगा। इस मार्ग को महानगरों के स्तर पर सजाने की योजना है, जिसके तहत स्वागत द्वार, सजावटी पिलर्स और दोनों ओर RCC बेंच स्थापित की जाएंगी। विद्युत विभाग द्वारा सड़क के केबलों को भूमिगत करने का कार्य भी शामिल है, जिससे सड़क की सुंदरता और सुरक्षा में सुधार होगा। यूपी के बागवानों को आम के और अच्छे दाम मिलेंगे। केंद्र सरकार जिन 20 फलों और सब्जियों के समुद्री मार्ग से निर्यात के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, उसमें आम भी शामिल है। ऐसे में आम के निर्यात की जो भी संभावना निकलेगी, स्वाभाविक है कि उसका सबसे अधिक लाभ आम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले उत्तर प्रदेश के बागवानों को ही मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि योगी सरकार प्रदेश में निर्यातकों की सुविधा के लिए पहले से ही वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधाएं तैयार कर रही है। महाकुंभ में यूपी टूरिज्म श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में टूरिज्म विभाग महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले पर्यटकों को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहा है। प्रयागराज में यमुना नदी पर बने यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कालिंदी का उद्घाटन दिसंबर 2023 में सीएम योगी ने किया था। सीएम के मार्गदर्शन में UPSTDC इस रेस्टोरेंट का संचालन कर रही है। ये सुविधा महाकुंभ के दौरान देश विदेश आने वाले पर्यटकों के लिए एक नया और अनोखा अनुभव प्रदान करेगी।